फैक्ट्री में पार्ले जी बिस्कुट कैसे बनती है। क्या आपको पता है कि पार्ले जी के इस जाने माने पैकेट पर ये बच्ची कौन है और अब ये कैसे दिखती है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। भैया अगर आप 90s के किड हो तो बचपन में जरूर आपकी फेवरेट बिस्कुट पार्ले जी ही होगी। हालांकि अब मार्केट में बहुत सारे बिस्किट आ चुके हैं इसलिए अभी के बच्चों का पता नहीं, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में जिस बिस्किट के पैकेट की बिक्री सबसे ज़्यादा होती है वो पार्ले जी ही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पार्ले जी बिस्किट बनने का क्या राज है। भैया जी पार्ले जी बिस्कुट को बनाने के लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स यूज होता है वो है मैदा, चीनी और एडिबल ऑयल। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को प्रोसेस करने से पहले लैब में इनकी जांच करी जाती है और सारे रॉ मटेरियल्स को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पहले मैदे और चीनी को छान लिया जाता है और इन्हें एडिबल ऑयल और पानी के साथ पावर टैंक में डाल देते हैं जिसके अंदर ये अच्छी तरीके से मिक्स हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पार्ले जी इंडिया में तो मिलती ही है, साथ ही ये इंडिया के बाहर विदेशों में भी पार्ले जी की बिक्री की जाती है। तो अब तक ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से मिक्स हो गए होंगे। जब इसका प्रॉपर डो तैयार हो जाता है तो इसको मशीन से बाहर निकाल लेते हैं और इन सभी प्रोसेस में हाइजीन का काफ़ी ख्याल रखा जाता है ताकि बिस्किट टेस्टी और हेल्दी बन सके। तो अब फाइनली मिक्स्ड डो को बिस्किट का शेप दिया जाएगा। एक बेलनाकार मोल्ड गीले डो को छोटे छोटे बिस्किट का शेप दे देती है, कुछ ऐसे, और ये प्रोसेस दिखने में काफी सेटिस्फाइंग लगता है। अब यहाँ से ये बिस्किट सीधा बेकिंग सेक्शन में पहुंचते हैं जहां पर इन सारे बिस्किट को 240 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पकाया जाता है जिससे कुछ ही समय में ये बिस्किट बेक होकर सफेद से हल्के भूरे रंग में बदल जाते हैं। बेकिंग के बाद इन्हें थोड़ा सुखाया जाएगा जिससे कि बिस्किट और भी क्रंची और टेस्टी हो जाएंगे। तो फाइनली अब ये बिस्किट तैयार हो चुके हैं। अब इनको पार्ले जी के जाने माने पैकेट में पैक कर दिया जाता है और ऐसे पार्ले जी बिस्किट तैयार हो जाती है। अब जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं उनके लिए एक बोनस जानकारी है। क्या आपको पता है कि सालों से पार्ले जी के पैकेट पर ये जो बच्ची है आखिर वो कौन है और ये अभी कैसे दिखती है? तो सुनिए, कुछ दिनों पहले इस महिला की तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि ये नीरू देशपांडे है जिनकी उम्र अभी 65 साल है और ये जब 4 साल की थी तब इन्होंने पार्ले जी के लिए फ़ोटो शूट कराया था और ये फैक्ट बिल्कुल गलत था। दरअसल ये महिला इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति है और पार्ले जी बिस्किट के पैकेट पर जो बच्ची दिखती है वो दरअसल एक इलस्ट्रेशन, मतलब कि बस एक काल्पनिक बच्ची की पेंटिंग है जो कि एवरेस्ट क्रिएटिव के द्वारा 60 के दशक में बनाया गया था और आप विकिपीडिया पर पार्ले जी के आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस जानकारी के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और हाँ कमेंट में जरूर बताइएगा अभी आपकी फेवरेट बिस्किट कौन सी है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। फैक्ट्री में कुरकुरे कैसे बनती है ये जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लेना, वीडियो काफ़ी अच्छी है।